आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे। जहां महात्मा गांधी के समर्थक हैं तो वहीं नाथूराम गोडसे के भी समर्थक जिस तरह से देखने को मिलते। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और जैसा कि खास बातचीत में हमेशा आपको मिलाते हैं किसी न किसी शख्सियत से, तो आज आपको मिलाने वाले हैं सौरभ कुमार यादव, जो कि सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव के नाम से मशहूर हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिस तरह से पूरा देश जहां नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानता है वहीं उनसे नफरत करता है, तो वहीं कई समर्थक भी हैं। जैसा कि आज हमारे साथ मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो कि नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं। जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से नाथूराम गोडसे को वो समर्थन दे रहे हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, क्या वजह रही जिस वजह से नाथूराम गोडसे का समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाथूराम जी एक ऐसी शख्सियत थे जो अखंड भारत, समृद्ध भारत का सपना देखते थे जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के जो कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जिनकी वजह से पूरे देश हित में नहीं हो पाए वो जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे जी ने जो किया मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि अगर नाथूराम गोडसे ने ये किया तो कहीं ना कहीं देश हित में ही ये किया है, क्योंकि इसकी भी वजह रही है अपनी अपनी। ठीक है, तो जब ये देश बंटवारा हुआ तो उस वजह से ये धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, और धर्म के आधार पर यदि बंटवारा हुआ था देश का, तो हिंदू जो यहाँ हिंदुस्तान के हिंदू थे जो पाकिस्तान में रहे उनके ऊपर इतने अत्याचार हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई जी। जबकि बिल्कुल उसके उलट यहाँ रहा, जब वहाँ से शरणार्थी हमारे यहाँ आए तो यहाँ जो दिल्ली की मस्जिदों में रुके गांधी जी के अनशन के कारण उनको भी मस्जिदों से बाहर निकाल दिया गया, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं कड़ाके की ये जिस तरीके का वहाँ पे मौसम था, सर्दी थी, उस सर्दियों में वो बाहर निकलने को मजबूर हो गए। तो यदि उनको इतना ही देश प्रेम था तो वो ये भी तो कह सकते थे, या उनके समर्थन में ये सवाल खड़ा कर सकते थे कि आखिर इनको ऐसा बाहर क्यों निकाला जा रहा है, जबकि उन्होंने ही उनके समर्थन में ये कहा कि इनको बाहर ही निकालना चाहिए, मस्जिदों में नहीं रुक सकते हैं। जैसे कि नाथूराम गोडसे को लेकर अभी हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली थी जी, तो काफी लोगों ने विरोध किया था, क्या था वो पोस्ट? जी बिल्कुल, वो पोस्ट कुछ ऐसा था कि मैंने कहा था उसमें कि मैं जो है 2022 में श्री नाथूराम गोडसे जी का मंदिर का निर्माण करवाऊंगा जी जी। लेकिन 2022 में मंदिर का निर्माण करवाने की आपने बात कही थी, क्या लगता है जो नाथूराम गोडसे का एक ही मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना एक आसान एक राह होगी? जी बिल्कुल, ये चीज़ मुझे भी लगता है कि कोई राह आसान नहीं होगी जी। लेकिन फिर भी मैं ये जो है मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, और कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट भी मिलेगा पब्लिकली। क्या वजह रही नाथूराम जी के मंदिर को बनवाने की? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा रहा जी। तो इस संबंध में मैं यही बस इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो देश हित में महात्मा गांधी जी की हत्या की, जो मुझे नहीं लगता वाकई में सही भी था, लेकिन लगता हत्या करना देश हित में होता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कह तो रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सही था जी। मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो किया उस समय वो गलती ही कह सकते हैं, गलती से हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो आज के दौर में चल रहा है कहीं ना जो माहौल है हमारा, देखिए हम लोग क्या, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जो कोई भी आया वो हमारा अपना है जी। लेकिन इसके उलट जब हम लोग कहीं जाते हैं तो वो लोग क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं? उनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग भी आए कहीं ना कहीं ये हमारे अपने ही हैं, जबकि हम लोग आप पूरे भारत में देखिए कहीं भी किसी भी हिंदू नेता ने या हिंदू किसी भी हिंदू व्यक्ति ने किसी को क्षति पहुँचाई हो उस लेवल पर, जिस लेवल पर हम अक्सर देखते हैं कि जात विशेष के लोग कुछ ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे कि नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं आरएसएस से मिलती थी, क्या कहेंगे कि आप भी आरएसएस से, आरएसएस की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं? जिस तरह से महात्मा गांधी की तस्वीर को सांसद गोली मारती है। नहीं बिल्कुल, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं आरएसएस के साथ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि उनकी जो पर्सनल विचारधारा थी, उनकी व्यक्तिगत विचार, मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं
उस संबंध में उनके साथ हूँ। तो 2022 में मंदिर का निर्माण कराने की पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी के साथ में है। तो गांधी जी की विचारधारा पर चल रहा हमारा देश जिस तरह से, क्या लगता है नाथूराम गोडसे का मंदिर बनने देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता खैर कि ये राह इतनी आसान होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब बनाएंगे तो मंदिर। आखिर क्या वजह रही जो, और किस वजह से और कब से नाथूराम गोडसे से प्रभावित हुए यार, उनकी किन विचारधाराओं को लेकर समर्थन में आए उनके? जी बिल्कुल, मैं ये कुछ ऐसा कहूँगा कि मैं जब से समझदार हुआ, जब से मैं किताबें पढ़ने लगा और जितनी भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में इकट्ठा करें, तब से मैं उनका वाकई में बहुत बड़ा समर्थक हूँ। और मैं समर्थन करता हूँ उनका इस बात का कि वाकई में उन्होंने देश हित में जो काम किए वो वाकई में काबिले तारीफ़ रहे हैं। और जहाँ तक की बात रही किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक होने की, तो आज देश में हर एक व्यक्ति विशेष के कहीं ना कहीं समर्थक होते हैं, ठीक है, चाहे वो वीर सावरकर हों चाहे वो कोई भी हों। लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे वीर सावरकर जी जो हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जी। तो उन्हीं के साथ में अगर ये भी स्वतंत्रता सेनानी क्यों नहीं है, जबकि कहीं ना कहीं वो जो साजिश हुई, वो जो घटनाक्रम हुआ, उसमें नाथूराम गोडसे जी के साथ में वीर सावरकर जी भी थे। बिल्कुल, छह लोग थे जी। बिल्कुल जी। और इनमें से एक लोग थे नारायण आप्टे, जो कि एक्स कांग्रेसी थे, जो कि पूर्व में कांग्रेस के साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल एक आता है, क्या वाकई में महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई, क्या कांग्रेस का इसमें हाथ था? हाँ, जैसा कि आरएसएस के नेता थे नाथूराम गोडसे, क्या आरएसएस की भी इसमें भूमिका थी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता कि आरएसएस की भी इसमें भूमिका थी, मगर कहीं ना कहीं ये उनके व्यक्तिगत विचार थे, उनकी व्यक्तिगत धारणा ये थी कि कुछ ऐसा किया देश हित में उन्होंने काम किया। मतलब आहत हुए बंटवारे को लेकर, जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई उसको लेकर काफी आहत हुए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नाथूराम गोडसे थे वो कट्टर हिंदू नेता थे जी। और महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने काफी आंदोलनों में उनके साथ दिया जी। सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसा वाकया हुए जो वाकई में देश हित में नहीं थे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि देश जिस तरह से देश समर्थन करता है गांधी जी के विचारों का, क्या नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाने में आपकी मदद करे? जी बिल्कुल, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग जानते ही हैं कि हम ये नहीं कहते कि महात्मा गांधी जी के आप समर्थन ना करें जी, उनके सपोर्ट में ना रहे, आप उनका भी समर्थन करें, लेकिन कहने के मैं इतना ये भी कहना चाहूँगा कि आप नाथूराम गोडसे जी के बारे में भी जाने, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें, तभी आप समझ पाएंगे कि वाकई में सही क्या है और गलत क्या है। हमारे साथ खास बातचीत में सौरभ कुमार यादव, जो कि सोशल मीडिया पर मुलायम सिंह यादव के नाम से फेमस हैं। जी हाँ, नाम से आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, लेकिन ये स्वतंत्र जिस तरह से सोशल वर्क लगातार लंबे समय से राजधानी में ही करते आ रहे हैं, जहां इन्होंने बताया कि किन बातों को लेकर नाथूराम गोडसे का ये समर्थन कर रहे हैं। देखना यह है कि देश की जनता जिस तरह से महात्मा गांधी के विचारों पर चलना, और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री भी महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहे हैं, तो वहीं हिंदू नेता जिस तरह से नाथूराम गोडसे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, क्या देश उनका समर्थन करेगा या उत्तर प्रदेश में उनका एक और मंदिर बनने देगा? ये थी खास बातचीत में हमारे साथ सौरभ कुमार यादव। फिर मिलेंगे किसी खास बात के साथ, किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।